नासिक महाराष्ट्र राज्य का एक प्राचीन व ऐतिहासिक शहर है। गोदावरी नदी के तट पर स्थित नासिक शहर यहाँ पर लगने वाले कुंभ मेले के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। यहाँ पर प्रत्येक 12 वर्ष में महाकुंभ व 6 वर्ष में अर्धकुंभ का आयोजन किया जाता है। यह शहर मुंबई व पुणे के बाद महाराष्ट्र का तीसरा सबसे बड़ा शहर भी है। इसे पूर्व में नौशिखा व रोज सिटी के नाम से भी जाना जाता था। नासिक भारत का एकमात्र ऐसा शहर भी है जहां पर भारत की लगभग 90% शराब का उत्पादन किया जाता है। नासिक धार्मिक परंपराओं के साथ जुड़ा होने के कारण यहां देश विदेश से आने वाले पर्यटकों का तांता लगा रहता है। नासिक शहर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से 190 किलोमीटर व भारत की राजधानी दिल्ली से 1275 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भौगोलिक दृष्टिकोण से नासिक जिला कई पड़ोसी जिलों की सीमा से सटा हुआ है। इसके उत्तर में धुले जिला, पूर्व में जलगांव जिला, दक्षिण पूर्व में औरंगाबाद जिला, दक्षिण में अहमदनगर जिला, दक्षिण पश्चिम में ठाणे जिला, पश्चिम में गुजरात से घिरा हुआ है। लगभग 15,582 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए नासिक जिले की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 61 लाख से ऊपर थी। नासिक जिले की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो आपको 390 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में मिलेंगे। धार्मिक दृष्टिकोण से नासिक जिले में लगभग 85.21% हिंदू, 8.90% मुसलमान, 1% ईसाई, 1.10% जैन, 3.18% बुद्ध व 0.61% अन्य धर्म के लोग निवास करते हैं। नासिक जिले की साक्षरता दर लगभग 82% है। साक्षरता दर के लिहाज से देखा जाए तो नासिक महाराष्ट्र का तीसरा सर्वाधिक पढ़े लिखे वाले लोगों का शहर भी है। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि नासिक नाम की उत्पत्ति रामायण महाकाव्य से जुड़ी हुई है, क्योंकि माना जाता है कि यह वही स्थान है जहाँ लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पनखा की नाक काटी थी, इसीलिए इसका नाम नासिक पड़ा। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि यहाँ बहने वाली गोदावरी नदी 9 पहाड़ियों से होकर बहती है, जिसके कारण इसे नौशिखा कहा जाता था, जो बाद में बदलकर नासिक हो गया। इसे रामायण काल में पंचवटी के नाम से भी जाना जाता था। नासिक शहर की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि व छोटे बड़े उद्योगों पर निर्भर है। यहाँ के प्रमुख उद्योगों में शराब उत्पादन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड CAT लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड व अन्य कई उद्योग स्थापित हैं। इसके अलावा यहाँ कृषि में अंगूर की खेती मुख्य रूप से की जाती है। यशवंत राय चव्हाण विद्यालय, संदीप विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आदि यहाँ के प्रमुख शिक्षण संस्थान हैं। आवागमन के दृष्टिकोण से नासिक शहर रेल मार्ग, सड़क मार्ग व वायु मार्ग से जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग, नासिक शहर अपने रेल मार्ग से भारत के कई अन्य महत्वपूर्ण शहरों से भली भांति जुड़ा हुआ है, जिसके माध्यम से आप आसानी से नासिक पहुँच सकते हैं। सड़क मार्ग, यहाँ का नेशनल हाईवे नासिक का मुख्य हाईवे है। इसके अलावा मुंबई नासिक एक्सप्रेसवे इसे सीधा मुंबई से जोड़ता है। यहाँ पर भारत का पहला 10 लेन एक्सप्रेसवे नासिक और पुणे के बीच बनने जा रहा है, जिसके माध्यम से नासिक आने वाले पर्यटकों व श्रद्धालुओं को और भी आसानी होगी। वायु मार्ग, नासिक अपने घरेलू हवाई अड्डे के माध्यम से देश के अन्य व बड़े शहरों से भली भांति जुड़ा हुआ है, जैसे अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर व दिल्ली। नासिक जिला अपनी खूबसूरती व पर्यटक स्थलों के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाना जाता है। हर साल लाखों लोग इस शहर की खूबसूरती व पर्यटक स्थलों को देखने आते हैं। आइए जानते हैं वे कौन से पर्यटक स्थल हैं जिनके बिना नासिक का भ्रमण अधूरा है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर, श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक शहर से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो ब्रह्मगिरी पर्वत के पास स्थित है, जहां से होकर गोदावरी नदी बहती है। इसका निर्माण तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव ने एक पुराने मंदिर के स्थान पर करवाया था। यह मंदिर भगवान महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। इस मंदिर का निर्माण काले रंग के पत्थर से किया गया है, जो आने वाले पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। पंचवटी, गोदावरी नदी के दक्षिणी तट पर स्थित पंचवटी नासिक शहर का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, क्योंकि यह वही स्थान है जहां भगवान राम लक्ष्मण व माता सीता ने अपने वनवास के दौरान निवास किया था। इसको पंचवटी कहने के पीछे का प्रमुख कारण कालाराम मंदिर के पास लगे 5 प्राचीन बरगद हैं। यहां पर सीता गुफा, कपालेश्वर मंदिर, सुंदर नारायण मंदिर, विट्ठल मंदिर आदि कई प्राचीन मंदिर मौजूद हैं। अंजनेरी हिल्स, अंजनेरी पर्वत नासिक का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। इस पर्वत का इतिहास रामायण से भी जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि यह वही पर्वत है जहां हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस पर्वत का नाम अंजनेरी पर्वत भगवान हनुमान की माता अंजनी के नाम पर पड़ा है। इस पर्वत पर स्थित मंदिर तक आप
ट्रैकिंग करके पहुंच सकते हैं। कालाराम मंदिर। यह मंदिर हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है, जो नासिक में पंचवटी के पास स्थित है। यह मंदिर भगवान राम को समर्पित है। इसमें स्थापित मूर्ति का रंग काला होने के कारण इसे कालाराम मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर के अंदर भगवान राम के साथ साथ लक्ष्मण व माता सीता की प्रतिमा भी मौजूद है। राम कुंड। नासिक के पंचवटी में स्थित राम कुंड को एक पवित्र कुंड माना जाता है, क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम अपने वनवास के दौरान इसी कुंड में स्नान किया था। इसीलिए पंचवटी आने वाले श्रद्धालु इसमें स्नान करते हैं, क्योंकि कहा जाता है इसमें स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। आर्टिलरी केंद्र। नासिक के पांडोनेली गुफाओं के पास स्थित यह केंद्र एशिया का सबसे बड़ा आर्टिलरी केंद्र है, जो आजादी के दौरान पाकिस्तान से नासिक लाया गया था। इसमें सैनिकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ आर्टिलरी संग्रहालय व युद्ध स्मारक भी बने हुए हैं, जो भारत के सैनिकों का इतिहास बताते हैं। सप्तसृंगी। नासिक शहर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सप्तसृंगी एक बहुत ही खूबसूरत पर्यटक स्थल है, जो पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यह मुख्य रूप से माता सप्तसृंगी देवी को समर्पित है, जो देवी भगवती का एक रूप है। सीता गुफा, मुक्ति धाम, हरिहर किला, सोमेश्वर, डूगरवादी जलप्रपात, पांडोलेनी गुफाएं आदि यहाँ के प्रमुख दर्शनीय व ऐतिहासिक पर्यटक स्थल हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।